Here I was checking, the sun shines in the eyes, the same way through the camera as well or not? It's a beauty of this season when there is a sun and snow as well. I love to sit in a park in the snow and the sun. Guys, you can see कि कितनी ठंड है, जो गाड़ी से ऊपर से आ रहा पानी है वो जमा हुआ है। गाइज, आपने देखा होगा कि ये जो पाइप होती है जो घर के ऊपर से आती है, ये होती है कि जो बारिश का पानी है उसको बाहर निकाल सके। ये आप देख रहे हैं कि ये वहाँ से ऊपर से आ रही है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या हुआ पड़ा है। पहले तो ये पाइप के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है ये पूरी पाइप के ऊपर। और सेकेंड, एक और आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो ये जो पानी आ रहा है ये पूरे के पूरा एक बर्फ बना हुआ है। लाइक इतनी ज़्यादा ठंड है और ये इतने दिनों से है, मेरा दिल था आपको दिखाऊं तो आज मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा पूरा का पूरा जमा हुआ है। दिस इज रियली रियली नाइस। In front of my house, when I opened the door, I saw this. I find this ice thing the most beautiful thing. You can see the beautiful patterns in this structure. This is the most beautiful ice thing I find till now. The ice is melting down. But still, it holds its original shape. देखने में बहुत ही वियर्ड कुछ लगता है, लेकिन ये स्नो है, वो भी स्नो है, वहाँ पे बिल्कुल वाइट है वो स्नो, लेकिन ये बिल्कुल काले में पड़ी है क्योंकि डस्ट और पोल्यूशन इतना ज्यादा है। It feels like total mess on the side of the road. People are saying foreign countries are so beautiful. But this is also the reality of foreign countries. Sometimes snow is so beautiful. It's so soft and white. It's so shining. It feels like diamonds on the road. And other times it's just opposite. This is also snow. It feels like dumping area. ये मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट है, नॉर्मल लाइट में दिखती नहीं है। गैस, जब लड़के नया नया खाना बनाना स्टार्ट करते हैं ना,
तो अपने आप को एक्सपर्ट्स कहलाने लग जाते हैं। उनकी ना एक खुद की एक टेक्निक्स होती है कि पहले ये डालना है बाद में ये डालना है, और उनको लगता है कि जो उनकी मदर है या सिस्टर है वो कोई चीज़ आगे पीछे डाल दे, उनको लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, जबकि उनको ये नहीं पता कि इतने सालों से वही उनको खाना बना के दे रही है। गाइस, अगर आप फॉरेन कंट्री में आ रहे हो ना, और अगर आप चाय के शौकीन हो, तो अपने साथ इलायची ज़रूर लेके आना, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में इलायची मिलती है, बट उसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, उसका कोई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता जो इंडिया से होते, तो अपने साथ इलायची ज़रूर लेके आना। सो गाइस, दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। तो एक ये ब्रेड के साथ डिश है, कई लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गाइस, लास्ट वीक मेरी स्पेक्स जो है वो बिल्कुल टूट गई थी, तो मैंने क्लियरली से नई स्पेक्स जो है वो ऑर्डर की है। टोटल जो है वो हो गया था $78, बीच में $10-12 का डिस्काउंट लगा, बट शिपिंग का मेरे को $12 का पड़ गया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे डिलीवरी की है। गाइस, मैं अभी बाहर करके आई हूँ, लेकिन मुझे अभी मैसेज आ गया कि मेरा पार्सल आ गया। थिंग इज, इन्होंने साथ में केस नहीं दिया जो कि देना चाहिए था। हालांकि चलो बॉक्स पे इतने पैसे लगा दिए तो, पर लेकिन अगर थोड़े से पैसे केस पे लगा देते तब ज्यादा अच्छा होता। बट मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ ये कैसी लगती है, पहन के दिखाती हूँ हाउ आई एम लुकिंग इन दीज ग्लासेस। सो गाइस, स्पेक्स जो हैं अच्छी हैं, हल्की हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे इनका मटेरियल भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है इन स्पेक्स, ये वाली ग्लासेस को। लेकिन एक चीज़ है, इन्होंने साथ में केस नहीं दिया है। दो गार्बेज बिन्स होते हैं, ये गार्बेज है और ये रिसाइकल है, और ये जो सारा सामान है ये सारा रिसाइकल वाला है, तो इसको हम उसमें नहीं डाल सकते। अगर ये रिसाइकल को हमने गार्बेज में डाल दिया, या गार्बेज को हमने रिसाइकल में डाल दिया, या ऐसा लाइक मिक्स कर दिया, तो हमें फ़ाइन पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखना होता है हमें। यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रिसाइकल वाला है, ये गार्बेज है पूरा। इट्स 6:22 एंड मुझे एक स्वीयर जो थैक होने लगा, यहाँ पे पेन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा हो रहा है पेन, यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ कान तक पहुँच रहा है, और फिर हेडेक में जा रहा है, लाइक हेडेक होना स्टार्ट हो रहा है, पर पेन थोड़ा कम है, वो स्टार्ट हो जाता है बाद में रुक जाता है। मुझे ऐसा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ज़्यादा ना होना लग जाए, दैट्स व्हाई मैं मेडिसिन लेके पहले ही रखती हूँ।
लाइन में खड़े हैं बाहर और कोविड के कारण अंदर नहीं जाने दे रहे, तो अभी इनकी स्ट्रेटजी ये है कि जितने भी कस्टमर हैं वो शॉपिंग करके निकलते हैं, तो ये थोड़ा बहुत सैनिटाइज करते हैं वॉलमार्ट को, सारे जो भी है जितना भी करते हैं, जो नया सेक्शन है कस्टमर्स का वो अंदर जाने देते हैं। Hey guys, this is snow and it's shining.